हे गाइस, तो मैं अपना ब्लॉग जो है वो यहाँ से कंटिन्यू कर रही हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, थैंक यू सो मच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं अब यहाँ से कैंपा लाइन से जा रही हूँ और हमारा प्रोग्राम है कि जो आसपास के कुछ एरियाज़ हैं उनको भी एक बार घूम लिया जाए। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हमने प्लान किया है कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर है नैना देवी जलकुंड, तो सबसे पहले वहीं चलते हैं। सो गाइज, अब मैं आ गई हूँ नैना देवी जलकुंड, जो कि जंगल के बीचों बीच बनाया गया एक खूबसूरत सा जलकुंड है जिसको नाम दिया गया है नैना देवी। तो जो यहाँ का टिकट है वो बड़ों के लिए है 50 और बच्चों के लिए है 25 और जो फॉरनर्स हैं उनके लिए 100। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, अंदर आते ही जो नैना देवी जलकुंड है उसमें आपको दिख जाएंगे ऐसे एक ऋषि खड़े हैं और पीछे उनके दो हंसों का जोड़ा भी है जो आपको दिख रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत है। तो मतलब कुछ कहानी है इसके पीछे, वो मैं अभी देखती हूँ क्या कहानी है इसके पीछे। एक रामायण का श्लोक भी लिखा हुआ है यहाँ पर, पहला श्लोक आप लोग पढ़ सकते हैं। ओके, जो ये ऋषि हैं ये वाल्मीकि ऋषि हैं। तो ये सो गाइस, कहानी कुछ इस तरह है कि जो ये आदमी है, ये आदमी नहीं, ये तो मेरा पति है अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो एक शख्स खड़ा है हाथ में तीर कमान लिए हुए, इसने इन जोड़ों के ऊपर तीर चला दिया था, जिसको देखकर जो वाल्मीकि जी थे उन्होंने इसको श्राप दे दिया था। तो ये कुछ इस तरीके से कहानी है। तो वही पिक्चर डिपेक्ट हो रही है, वाल्मीकि जी उधर खड़े हैं और उसके जस्ट सामने वो आदमी खड़ा हुआ है। सो गाइज, ये जो जंगल के बीचों बीच बना हुआ एक खूबसूरत जलकुंड है नैना देवी, इसको ना आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है और इसलिए इसकी जो पानी की क्षमता है वो भी लगभग 60 लाख लीटर है। लोग यहाँ के जो आसपास के जानवर हैं जिन्हें गर्मी में पानी की समस्या से जूझना पड़ता है, पीने को पानी नहीं मिलता, तो इस झील के माध्यम से वो भी पानी पी लेते हैं यहाँ आकर। तो बेसिकली काफ़ी अच्छी और शांत जगह है, मुझे बहुत पसंद आई। और यहाँ पर एक इसके पास ही ना एक इको फ्रेंडली पार्क भी डेवलप किया गया है, वो भी बहुत खूबसूरत है। तो आप लोग यहाँ डेफिनेटली आ सकते हैं और यहाँ का व्यू एंजॉय करें। ओके गाइस, तो हमारा यहाँ का तो पूरा हो गया है, हमने ये सारा देख लिया है। अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट जगह पर जो कि है माउंटेन मैजिक विलेज। तो चलिए। हे गाइस, तो मैं अब आ चुकी हूँ एडवेंचर विलेज, माउंटेन एडवेंचर विलेज, और यहाँ पे बच्चों के लिए काफी सारी राइड्स हैं, खाने की कैंटीन भी है, बच्चों के एंजॉय करने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं। और यहाँ का व्यू मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत है, चारों तरफ माउंटेन से घिरा हुआ है, देखिए। यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, खाने के साथ डांस कीजिए, एंजॉय कीजिए। ओके, सो गाइज, यहाँ पर है गो कार्टिंग,
ओके गाइस, जो यहाँ का गो कार्ट का टिकट है वो है 400 रुपीज पर पर्सन, 400 रुपए लगेंगे आपको पर पर्सन। ये यहाँ का पूल है। ओके एवरीवन, तो ये है यहाँ का पैकेज, कौन कौन से राइड्स हैं और उनके क्या पैकेज हैं वो सारी डिटेल्स हमने यहाँ पर कैप्चर कर ली थी, तो आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी सारी राइड्स हैं, गो कार्ट है, पूल है और वो जो कार्स हैं, डांस भी करने की जगह है, एक रेस्टोरेंट है वो बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल विलेज थीम पर बना हुआ है। बेसिकली ये पूरा जो एडवेंचर पार्क है ये भी एक विलेज थीम पर बना हुआ है। तो देखिए गाइस, ये है गो कार्ट। बच्चों के साथ बड़ों के लिए भी काफ़ी चीज़ें हैं एंजॉय करने के लिए। यहाँ पर ये है फन शूटर गेम, और देखिए अंदर से, अभी यहाँ पर फिलहाल कोई नहीं खेल रहा था, खाली था और मैंने शूट कर लिया है। और इसके बिल्कुल पीछे की साइड में अगर आपको जाकर मैं दिखाऊं तो वॉशरूम है, और उससे पहले एक 7D थिएटर है। वहाँ हम नहीं गए थे तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि इसके अंदर क्या था, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 7D थिएटर। ये लॉब, सो गाइज यहाँ पर ये चीज़ ख़त्म हो गई है। हमने यहाँ बहुत इन्जॉय कर लिया, खाया भी है, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है यहाँ पर। अब हम जा रहे हैं खुरपाताल और देखते हैं वहाँ पर क्या है। तो गाइज अब हम आ गए हैं खुरपाताल। ये खुरपाताल है, ये भी एक तो झील है, और यहाँ पर बच्चों के लिए बोट्स हैं, राइड है, राइड लेने की चीज़ें हैं, और एक छोटा सा यहाँ पर भी रेस्टोरेंट है, तो आप आकर यहाँ भी इतना ही एंजॉय कर पाएंगे, खाएंगे पिएंगे और बोटिंग करेंगे। दैट्स ऑल। ऑलराइट गाइज, अब हम आ पहुँचे हैं वुडलैंड वाटरफॉल। ये नैनीताल में ही है और ये भी बहुत अच्छी जगह है। तो मैंने यहाँ से पहले टिकट चेक करा हमने टिकट काउंटर पे, तो टिकट जो है वो यहाँ का 50 रुपीज पर हेड है, और एंट्री करते ही आपको बहुत सारे बाघ देखने को मिल जाएंगे, और वहाँ पर लिखा है बाघ को ना छुएं। सो गाइज, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे पौधे लगे हुए हैं, एरिका पाम है और भी काफ़ी तरह के। तो चलिए अब थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि जो वाटरफॉल है वो कैसा लग रहा है। ओके गाइज, तो वाटरफॉल दिख रहा है हमें यहाँ से, लेकिन मतलब जैसा मैंने सोचा था अभी वैसा तो नहीं दिखा मुझे। छोटा है, वाटरफॉल है नो डाउट, लेकिन काफ़ी छोटा दिख रहा है ये। कुछ लोग नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। गाइस, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूर ऊपर आप चढ़ते जाएंगे तो आपको कुछ जानवर हैं जिनके स्टैचू बने हुए हैं वो आपको दिख जाएंगे, जैसे कि ये बना हुआ है आपको दिख रहा होगा, हिरन लग रहा है मुझे ये। अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं और मैं थक गई हूँ ऊपर आते आते, लेकिन अभी मुझे वाटरफॉल वैसा नहीं दिखा जैसा मैंने इमेजिन कर रखा था। अभी और ऊपर चढ़ना है और ऊपर जा रहे हैं हम। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये है यहाँ का वुडलैंड वाटरफॉल। ये यहाँ से काफी अच्छा लग रहा है, खूब तेज पानी चल रहा है, और जब ये रेनी सीजन होता है ना बरसात का, तो यहाँ पर और वाटर फ्लो बढ़ जाता है, तो ये और ज्यादा खूबसूरत लगता है। सो
तो गाइज ये जो आप बस देख रहे हैं ये ऊपर से नीचे गिरी थी पहाड़ों से नीचे खाई में, खाई तो नहीं, ये वाटरफॉल में आकर यहाँ अटक गई थी। और ये बहुत पुरानी है, काफ़ी लगभग 20-30 साल पुरानी बस है, तो इसको एज इट इज रखा हुआ है लोगों को दिखाने के लिए। अभी और ऊपर जाने की जगह है और बस अब आप ऊपर जाते जाइए और वाटरफॉल के दर्शन करते जाइए। ओके गाइस, तो ये वाटरफॉल पूरा कंप्लीट हो गया है, अब हम वापस जा रहे हैं नीचे की तरफ। और अच्छी जगह है, आप आ सकते हैं एक बार दो बार। एक बेहतरीन व्यू आपको यहाँ से मिल जाता है, काफी सारी फोटोज क्लिक कर सकते हैं, हमने भी काफी सारी फोटो क्लिक की। पानी का फ्लो काफी तेज था। सो गाइस, यहाँ पर खाने पीने की भी काफी सारी अच्छी अच्छी जगह है, रेस्टोरेंट है बिल्कुल नीचे इसके सामने। और आज का व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, मैंने पूरा नैनीताल घूम लिया, हमें बहुत अच्छा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो गाइज़ मिलते हैं आपसे अपने न्यू ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।